मंगलवार को लखनऊ में योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई। प्रदेश की जनता के लिए इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जहां एक तरफ गांवों में 18 घंटे बिजली पहुंचाने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगाकर जांच बैठा दी गई। समाजवादी पेंशन ही नहीं, योगी सरकार की नज़र अखिलेश के साइकिल ट्रैक पर भी टेढ़ी है। योगी सरकार यूपी में बने साइकिल ट्रैक पर हथौड़ा चलाने का मन बना रही है। मंगलवार रात समाज कल्याण विभाग ने अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट समाजवादी पेंशन पर रोक लगा दी। सीएम ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। जांच इस बात को लेकर होगी कि जिन्हें पेंशन मिल रही है वो इसके असली हकदार हैं या नहीं। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार समाजवादी पेंशन के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपए देती थी। योगी सरकार ने अखिलेश के शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर कन्यादान योजना कर दिया है। दो बेटियों तक सीमित इस योजना के तहत गरीब परिवार को 20,000 रुपए दिए जाते थे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एक और महत्वाकांक्षी योजना पर योगी सरकार की नजर टेढ़ी है। योगी सरकार समाजवादी साइकिल ट्रैक को तुड़वा सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार ने लखनऊ से लेकर नोएडा और कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए थे। योगी सरकार सड़कों को चौड़ा करने के लिए इन साइकिल ट्रैक पर बुलडोजर चला सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।